हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है कुछ स्पेशल, मतलब बहुत स्पेशल, बहुत ही स्पेशल। आज कोई बहुत स्पेशल जो कि मेरे लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, वो कोई आने वाला है। तो उसका तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उनके आने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी कौन आने वाला है। पर आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो हम करते हैं, अभी मैं नहा के आई हूँ सुबह का काम फाइनल करके, फिर उसके बाद अब हम चलते हैं किचन में। किचन में कुछ बनाते हैं और अब ब्लॉग में बने रहिएगा और देख पाएंगे आप कौन आया है। तो बस आने वाले हैं, आने के बाद ही आपको दिखाऊंगी कौन आने वाला है। तो आप लोग इंतज़ार करिए थोड़ी देर। तो मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाना है। वैसे पहले तो नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। तो नाश्ते के लिए बस मैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि अभी काटने जा रही हूँ। तो नाश्ते में आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी, फिर उसके बाद देखो मम्मी क्या बताते हैं, फिर वो बनाऊँगी। तो मैं सब्ज़ी को काट लेती हूँ और छोंक देती हूँ, फिर उसके बाद शायद पराठे बनेंगे। तो यहाँ पर मैं सब्जी बनाऊंगी, सब्जी बना लेती हूँ, फिर आटा लगा के पराठा बनाऊंगी। मुझे ये भी नहीं पता है कि वो नाश्ता करेंगे या डायरेक्ट खाना ही खाएंगे, पर मैं तो सब्जी बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरी गाड़ी लेट है, ऐसा बताया था। तो पता नहीं नाश्ते के टाइम पे आप आते हैं या तो खाना के, और फिर भी मैं बना दे रही हूँ। तो यहाँ पर सब्जी मेरी बनके रेडी हो गई है, थोड़ी सी मैंने बनाई थी जो आलू बैंगन की सब्जी, गरम बहुत है, भाप निकल रही है। तो ये मेरी सब्जी रेडी है और यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख लिया है। अब जा रही हूँ पराठे बनाने और गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, तो फटाफट से पराठे बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, मैंने नाश्ता बनाया और उसके बाद मैंने नाश्ता कर भी लिया, जो कि मेरी थाली है। अब मैं चलती हूँ कपड़े धुलने। मैंने कपड़े धुले नहीं थे, सिर्फ मैंने उनको निरमा में फुला दिया था, मतलब भिगो दिया था। उसके बाद फिर मैं नहा के चले गए नाश्ता के लिए, नाश्ता बनाने के लिए और करने के लिए भी टाइम हो गया था। अब चलते हैं, हम देखते हैं बाथरूम में कपड़े। तो ज़्यादा कपड़े नहीं है, वैसे तो थोड़े ही हैं, तो मैंने इस बाल्टी में भिगो के रखे थे। तो धुल लेती हूँ मैं इनको, फिर उसके बाद बाकी का खाना बनाएंगे, लंच वाला, दोपहर वाला। छत में बाकी धूप कितनी ज़्यादा, बहुत भयंकर ही धूप है, मतलब चुभती है, गर्मी तो होने ही लगी है। अप्रैल का महीना चल रहा है, तो कपड़े फैला देती हूँ मैं, ज़्यादा देर रुकना नहीं होगा यहाँ छत में, बहुत ज़्यादा धूप है, कपड़े फैला देती हूँ। सो फाइनली दोस्तों, हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म और ये आ चुके हैं हमारे पास, जो कि पहुँच गए हैं घर। तो ये है माय डियर, अब इसके आगे आप लोग बताइएगा ये कौन है मेरे। तो इसके आगे आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये कौन है, जो लोग जानते हैं वो भी बताएगा, जो लोग नहीं जानते हैं वो आप लोग बताइएगा गेस करके। उसके बाद अगर आप लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको अगले ब्लॉग में रिप्लाई दूँगी। तो वो ब्लॉग में आना इतना कम्फर्टेबल नहीं करते हैं, तो उनको वीडियो बनाने में, वीडियो कैमरे के सामने आने में बहुत ही, मतलब ऐसा लगता है हिचक होती है उनको। वैसे होते तो मुझे भी थी, अभी भी होती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा शर्माते हैं तो आ नहीं रहे हैं वीडियो में। तो आप लोग बताइएगा कि कौन है ये मेरे। तो जो जानते हैं वो भी बताएंगे, जो नहीं जानते, मतलब जो जानते हैं वो अपना बताएंगे कि क्या है, कौन है, और जो नहीं जानते आप गेस करके बताइए कौन हो सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।